हुआ है समझ से, तो आप अब जो है टाइम 5:20 कुछ हो रहा, तो देख सकते हैं ये अपना मोइना टब्स है। और अभी जो है मैं पैरामीशियम के बारे में बताना चाह रहा हूँ, तो ये जो लास्ट टब बता रहा हूँ मैं, जो लाइट डाल के बता रहा हूँ, उसमें जो है पूरा पैरामीशियम है और इसमें मस्किटो लार्वास है, देख सकते हैं। देखो ये मस्कीटो लार्वास कितने सारे हैं इसमें, एंड इसमें जो है मोइना प्लस मस्कीटो लार्वा दो भी जमा होंगे। पहले मोइना भी बता देता हूँ मैं, तो ये मोइना को जो है फीडिंग में फ़िलहाल तो ड्राई ईस्ट मिल रहा, ड्राई ईस्ट विथ वाटर। सो इन लोग को जो है ड्राई ईस्ट खिलाता हूँ मैं, एंड ये मस्कीटो लार्वा को भी सेम। और ये जो भी है ये एक्चुअली मैं मस्कीटो लार्वा कल्चर करने के वास्ते नहीं डाला, मगर इसमें मस्कीटो लार्वा हो जा रहे। चलो ठीक है कोई बात नहीं, बेटा को फिट कर दे सकते हैं अपन उसको। एंड ये टब में बता रहा हूँ मैं पैरामीशियम है इसमें कुप्पा, तो ये पैरामीशियम क्या है और इसका फ़ायदा क्या है मैं बताना चाह रहा हूँ ये वीडियो में। तो देखो ये पूरा पैरामीशियम है, क्लोजअप करके बताऊँगा मैं। तो ये देखो, तो ये जो वाइट कलर के जो ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं ये पूरा पैरामीशियम बोलते हैं इसको। एंड इन लोग का माइक्रोस्ट्रक्चर जो है मैं वीडियो में अटैच करता हूँ। तो ये पैरामीशियम देखो, यहाँ पे दूसरे इंसेक्ट्स भी है, इसके साइज़ से कंपेयर करो कितना छोटे है वो। एंड ये एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो मूविंग मूविंग क्रिएचर्स है ये। तो ये बेटा फ्रेश के लिए जो है दी बेस्ट फीड है इनिशियली, जब स्टार्टिंग स्टेज पे जो बेटा फ्रेश रहते तो उन लोग को जो है बहुत दी बेस्ट फीड है। देखो क्या साइज़ पे ये पैरामीशियम, और ये जब फ्राई जो है इनिशियली जब अंडे में से बाहर निकलता, आई मीन अंडे में से मतलब जब हैच होता ना, तो उसके बाद जो है ये इनिशियल फीड रहेगा फ्राइज़ को, बेटा फ्राइज़ को, और दूसरे एग लेयर्स जो भी रहेंगे टेट्रास ऐसे कुछ, तो उन लोग को जो है ये इनिशियल फीड रहेगा। देख सकते कितना क्वांटिटी में बढ़ा है, इसमें मोइना नहीं है तो इसलिए जो है ये पैरामीशियम बहुत सारा हो गया। इसमें ईस्ट वाटर डालते रहता था मैं, इसमें मोइना नहीं था, फिर भी देखो कितना सारा क्वांटिटी हो गया। और इसको बनाना भी बहुत इजी है, आप भी ऐसा बिल्डिंग टेरेस के ऊपर सब वाटर लगा दे के उसमें थोड़ा बहुत ईस्ट मिक्स कर दो, ऑटोमेटिक बन जाता है ये। इसको स्टार्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनिशियली घर में बना सकते हैं ये। और इसमें ऐसा कल्चर होने के बाद जो है इसमें बेटा फ्राइज छोड़े तो भी क्या है, बेटा फ्राइज की सर्वाइविंग रेट जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। देखो कैसा स्विमिंग कर रहा है ये पैरामीशियम अंदर, ये सेम एक वेव्स टोनेडोस तो ऐसा जो है फिर रहा है अंदर, इसके स्ट्रक्चर भी दिख जा रहा है अपन को। सो फोन में जूम करे तो, जूम आउट करता हूँ मैं अब, तो देखो तो टॉर्च लगा के तो बता रहा हूँ मैं, तो पूरा टब पूरा भर गया है पैरामीशियम से। अभी तो फिलहाल अपने पास कुछ भी बेटा फ्रेश नहीं है, तो अपने पास बेटा फ्रेश है तो इन लोग को मैं उन लोग को जो है फीड करता था। ये गप्पी फ्रेश को तो सेट नहीं होता, खाली बेटा फ्रेश, और ये एम लाइव क्रिएचर से, ये पूरे पूरे लाइव क्रिएचर्स है। तो ब्रीडिंग में जो है जब अपन आलमंड लीफ डाले तो भी जो है उसमें फ़ायदा यही है, ये पैरामीशियम जो है आलमंड लीफ से भी बनता और नॉर्मल ईस्ट वाटर से भी बनता। और ये बनाना बहुत ही इजी है, मैं इसको कैसा बनाना ऑलरेडी अपने चैनल पे तो वीडियोस है, देख सकते हैं आप होना बोले तो। एंड एक बार देखेंगे तो देखो लाइट, तो लाइट को जो है अट्रैक्ट हुए सर का तो नहीं दिख रही है, ये लाइट को कुछ भी अट्रैक्ट तो नहीं होते, जस्ट बता रहा हूँ मैं। तो लाइट को जो है कुछ भी अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है इन लोग को जस्ट, मगर जो क्वांटिटी है इन लोग की पैरामीशियम की, जो ऑर्गेनिजम्स की जो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो इतना ज़्यादा है तो जो है फ्राई की सर्वाइविंग काउंट बहुत ज़्यादा रहता, कंटिन्यू फीड लेते रहता और फ्राई ग्रोथ जो है होते रहता। और ये पैरामीशियम जो है एक 5 to 10 days के लिए बहुत अच्छा फीड है बेटा फ्राइज के वास्ते और दूसरे फ्राइज के वास्ते भी। एक मिनट अभी ज़्यादा दूँ तो देखो ये एक, देखो कैसा हिल रहे, देखो हिलने का भी जो है अपन को दिख रहा है ये वीडियो पे, तो बस ये बताना चाह रहा था मैं ये वीडियो में। तो आप भी इसको कल्चर कर सकते हैं इजीली, एंड कल्चर कर लेके जो है आप आपके बेटा फ्रेश रहें दो, कौन से भी छोटे छोटे एग लेयर्स के जो भी फ्रेश रहें दो उन लोग को खिला सकते हैं। तो कल्चर करने का तरीका जो है ऐसा बिल्डिंग के ऊपर,
अब टब टब के अंदर वाटर और उसमें थोड़ा बहुत ईस्ट मिला के छोड़ दो बस एक फाइव डेज़ में। फाइव डेज़ के बाद देखो आई मीन डेली मिलाते रहना ईस्ट। और यहाँ पे भी मॉस्किटो लार्वा की बहुत क्वांटिटी बढ़ गई आज पूरा, इन लोग को क्लीन करने का अपने को। और यहाँ अपने गप्पीस है रेडियर कोई, तो चलो इन लोग को तो बाद में देखेंगे अपन। तो चलो वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग।